जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, एसजीएक्स निफ्टी 92 पॉइंट्स प्लस है 431, 95 पॉइंट्स प्लस है 434, और अभी 7:56 हो गई है। चलिए सीधा बात करते हैं। लेट्स टॉक, एज हम लोग कल की एक छुट्टी के बाद खुले हैं, कल सबने दशहरा मना लिया, तो कल मार्केट ने भी एसजीएक्स, जो लोग आप लोग टुकुर टुकुर लगा के देखते हैं एसजीएक्स को, जो अपना दिन ख़राब करते हैं उसको देखने में, ना कि सीधा यार उसको देख के होता क्या। मुझे कितने मैसेज आते दिन में, सर एसजीएक्स ऊपर है, अब एसजीएक्स नीचे है, अब ऊपर है, अब नीचे। अरे क्या करने का भाई, मार्केट अपना 9:15 आज खुलेगा, 9 भी तुम देख लोगे तो भी चलेगा, और उसका डाटा देखना, कल का हाई लो तो चार्ट खोल के देख लो कल का हाई लो क्या था। सिंपल, अपना टाइम अपने परिवार को दो उस समय यार, तुम बाकी दिन तो स्टॉक मार्केट में ऐसे ही पागल हुए हुए रहते हो। नाउ लेट्स टॉक डायरेक्टली। तो आज वीकली एक्सपायरी है, थर्सडे है, तो आज मैं एक नेगेटिव क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। मार्केट में 274 की क्लोजिंग थी मंगलवार को, क्योंकि कल यस्टरडे गए, कल को यस्टरडे को छुट्टी थी, और उसके पहले जो मंगलवार था उस दिन हमने 274 पे क्लोजिंग किया था स्पॉट में। यहाँ स्पॉट, जब भी मैं निफ्टी स्पॉट का बात करूँ, निफ्टी की बात करूँ स्पॉट, अगर मैं कभी फ्यूचर्स की बात करूँगा तो वहाँ पे मैं फ्यूचर्स बोलूँगा, बाकी सब स्पॉट के फिगर। स्पॉट माने कैश मार्केट निफ्टी के, ठीक है। तो 17,274 पे बंद हुआ निफ्टी, 17,274। अब कल एसजीएक्स निफ्टी यानी कि निफ्टी फ्यूचर्स, उसने क्या किया, क्योंकि कल मार्केट तो बंद था हमारा, कल उसने 494 का फ्यूचर्स में हाई बनाया, 494 का फ्यूचर्स में हाई बनाया, लेकिन सरप्राइजिंगली शाम तक आते आते वो 494 की जगह 284 तक आ गया, यानी कि 210 पॉइंट की गिरावट उसने दे दिया, लेकिन फिर से वापस उसमें तेजी आई और वो ऊपर जाके बंद हुआ। सेम डाउ जोन्स में भी कल हुआ, डाउ जोन्स कल तेजी में था अच्छी खासी, फिर माइनस में आया 400 पॉइंट, फिर आखिर में फ्लैट टू थोड़ा सा नेगेटिव बंद हुआ। तो कल की कहानी अगर डाउ जोन्स की देखो तो खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, 12 आना, ऊपर भी गया नीचे भी गया और आखिर में फ्लैट टू नेगेटिव बंद किया, यानी कि खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, 12 आना, थोड़ा सा नेगेटिव ही बंद किया। तो मुझे भी ऐसा लगता है मार्केट भी आज हमारा, जब भी आपको निफ्टी फ्यूचर्स, वापस मैं बोल रहा हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स 480 से 490 या 500 तक आए, वहाँ आपको शॉर्ट मारना, पहले नहीं मारना 480 470, चलिए 470 से लेके 510 का जोन जो है फ्यूचर्स का, वहाँ डेफिनेटली आज शॉर्ट करना चाहिए मुझे लगता है। और मैं बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि टेक्निकल ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका, क्योंकि हम 197 के ऊपर क्लोज किए हैं मंगलवार को, 197, और उस ब्रेकआउट का मतलब होता है 645 स्पॉट का टारगेट बनता है, 645 कैसे बनता है आपको मैंने कल भी समझाया था, वापस समझाता हूँ। 16,747 का लो था, 16,747 का लो था और 17,197 का हाई था, ये थे 449 पॉइंट्स, ठीक है, 16,747 और 17,196, 459 पॉइंट्स करीब होते हैं ये, और इसको अगर आप जोड़ दोगे 197 में तो आपका टारगेट आएगा 17,645, ये स्पॉट के लेवल है। तो ये टारगेट तो बनता है, लेकिन इस टारगेट में एक, हमने अभी तक 197 के ऊपर एक ब्रेकआउट क्लोजिंग की है, अगर आज की क्लोजिंग निगेटिव हो जाती, क्योंकि
ये तो पता कि आज मार्केट 400 के आसपास खुलेगा, तो कैंडल का कलर अगर आज रेड हो गया तो ये ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन कैंडल नहीं माना जाएगा। कन्फर्मेशन कैंडल शुड ऑलवेज बी ग्रीन। अगर हम अपसाइड का ब्रेकआउट देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी मंगलवार को आ चुका, क्योंकि 197 के ऊपर ब्रेकआउट था और हमने 274 पे क्लोज किया, मगर आज अगर किसी भी कारण से ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे होती है और अगर 274 के नीचे हो जाती है तो ये ब्रेकआउट जो है उसको हम कन्फर्म नहीं मानेंगे। कन्फर्मेशन कैंडल तब बनती है कि आज की कैंडल ग्रीन बने और 274 के ऊपर बने, बंद, ठीक है, सॉरी 197 के ऊपर बंद हो। तो ग्रीन तो बन नहीं सकती, अगर नीचे आता है तो ग्रीन कैसे बनेगी। अगर जब ओपनिंग आपकी 430 दिखा रहा है फ्यूचर्स में, तो 400 के आसपास स्पॉट खुलेगा तो वो कहाँ से आपको ग्रीन होगी, नहीं होगी ग्रीन अगर नीचे बंद होता है तो। याद रखिए, ग्रीन और रेड कलर कैसे बनता है, जब भी मार्केट ओपन जहाँ पे होता है आज के डेट में, उससे अगर नीचे 10 पॉइंट भी नीचे क्लोज करे, 1 पॉइंट भी नीचे क्लोज करे, तो कैंडल की बॉडी का कलर रेड होगा। अगर उससे 2 पॉइंट भी ऊपर क्लोज करे तो कैंडल की बॉडी का कलर ग्रीन होगा। ये आपकी जानकारी के लिए। अब आ जाते हैं आज का मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू है आज निगेटिव मार्केट क्लोजिंग देगा, यानी कि ओपनिंग जहाँ पे होगी वहाँ से नीचे क्लोज होगा, समझ में। कैंडल का कलर आज रेड होगा और मुझे तो ऐसा लगता है हम 274 के भी नीचे क्लोज करेंगे, जो कि मंगलवार के क्लोजिंग है। अब हमको शॉर्ट कहाँ करना है, मैंने बता दिया, 470 फ्यूचर्स से लेके 510 निफ्टी फ्यूचर्स के बीच में शॉर्ट करना है, और बहुत ही स्ट्रिक्ट जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, 570 फ्यूचर्स कट जाए, 574 लिख लीजिए, 574 फ्यूचर्स आपका स्टॉप लॉस होगा। फ्यूचर्स का लेवल, ये पूरे के पूरे फ्यूचर्स के लेवल दिया हूँ, 470 से लेके 510 के बीच में शॉर्ट करना है, 470 से लेके 510 के बीच में शॉर्ट करना है, ये फ्यूचर्स के लेवल है। और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 574 और टारगेट रहेगा 3:30 बजे काट लीजिएगा, 3:28 पे काट लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है 270 तक मार्केट आ जाएगा या 280 तक आ जाएगा लास्ट में, या ड्यूरिंग द डे भी। अगर ड्यूरिंग द डे 280 आ जाता तो आप वापस से अपना शॉर्ट काट लीजिएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है एक्सपायरी है, यहाँ पे बहुत उलट फुलट होगी, कहीं ना कहीं एक और बुरी खबर आई है, ये भी बता देता हूँ, इंडियन मार्केट के लिए बुरी खबर, क्योंकि ओपेक ने क्रूड के 20 लाख बैरल प्रतिदिन घटाने का, प्रोडक्शन कट करने की बात कही है। 20 लाख बैरल, 20 लाख बैरल पर डे प्रोडक्शन कट होगा, तो इसका मतलब क्रूड यहाँ से वापस, जो अभी 87-90 पे चल रहा है WTI, और ब्रेंट साइड 90 के आसपास है, 90-92, तो ये मुझे लगता है 100 तो इजीली पार करेगा, 110-120 भी आ सकता है। आपको नवंबर तक मैं क्रूड ऑयल WTI क्रूड ऑयल 100 के ऊपर दिखा दूंगा नवंबर तक, और ब्रेंट क्रूड ऑयल 110 के आसपास दिखा दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक है, शायद ये इफ़ेक्टिव रेट 10-15 दिन के बाद होगी, तो अभी इतना स्विफ्ट तेज़ी नहीं आएगी, लेकिन केयरफुल रहना है, ये बैड खबर है। दूसरी, अमेरिका में ऐसा अच्छा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको याद होगा मैंने 2-3 दिन पहले जब अमेरिकन मार्केट 28,700 का लो बनाया था, उसी दिन मैंने बोल दिया कि अब अमेरिका में मंदी नहीं है, अगर है भी तो 400-500 पॉइंट की है। मेरे जितने भी अमेरिकन फॉलोअर्स हैं, अमेरिका के रहने वाले फॉलोअर्स हैं, वो यहाँ पे बाई करे बिना डरे, 400-500 पॉइंट हाईएस्ट गिर सकता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं गिरा, 100 पॉइंट भी नहीं गिरा, जहाँ मैंने बाई बताया वहाँ से 50 पॉइंट भी नहीं गिरा, और वहाँ से अभी तक हम 1600 पॉइंट भाग चुके हैं,
मैंने बोला था 2000 से 3000 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ये आप सब ने सुना होगा। ये 2-3 दिन पहले का ही मेरा मॉर्निंग चाय पे चर्चा वाले वीडियो में था। तो यहाँ सारी बातें राइट हो रही है, लेकिन यहाँ 17645 का टारगेट तो खुला है, लेकिन मैं आज का दिन बहुत वाइटल मानता हूँ। और टू बी वेरी फ्रैंक, मैं 470 से लेकर 510 के बीच में शॉर्ट करना ही प्रिफर करूँगा, और ओवरऑल मुझे मार्केट तब तक पॉजिटिव नहीं लगता जब तक 17650 के ऊपर की दो क्लोजिंग नहीं आ जाए। तब तक मैं 18.5, 18, 19 जो भी बात करनी है वो नहीं करूँगा। जब तक 17650 के ऊपर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आए तब तक मेरा टारगेट 16600 का ही है, 16600 का ही मेरा टारगेट है। कब तक? जब तक 17645 के ऊपर या 650 के ऊपर स्पॉट में दो दिन लगातार क्लोजिंग नहीं आ जाए, यानी कि ऊपरी लेवल पे शॉर्ट में ही रहना है। दूसरा सिंगल आपको ट्रिगर देखना भी है तो 10 EMA और 20 EMA को देखते रहिए। जब तक 20 EMA की वैल्यू 10 EMA के ऊपर है, मार्केट में जो भी रैली हो रही है वो रिलीफ हो रही है, ठीक है। जब तक 20 EMA की वैल्यू 10 EMA के ऊपर है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। जिस दिन 20 EMA की वैल्यू 10 EMA की वैल्यू से नीचे आ जाएगी तब आप तेजी स्टार्ट कर सकते हो पोजिशनल, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया। पसंद आएगा वीडियो आपको तो लाइक के बटन दबाइएगा, और जो एक ड्रीम ऑफर आप लोग को दिया हुआ है डिलीवरी बेस्ड दिवाली 2022 से लेके दिवाली 2025 तीन साल का, वो सबने सबको याद ही होगा। अगर करना है जितने जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें ये ऑफ़र जो है इस धनतेरस के दिन तक एंड हो जाएगा, और दिवाली से ग्रुप स्टार्ट हो जाएगी। दिवाली वाले दिन से हम ये ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं और ये तीन साल तक के लिए चलेगी, और ये पूरी की पूरी फीस रिफंडेबल रहेगी अगर हम 100% गेन नहीं कर पाए। हमारा क्राइटेरिया रहेगा 3 लाख रुपये का स्टार्टिंग इनिशियल कैपिटल दिखाया जाएगा, उसके ऊपर एक्सेल शीट बनेगी। मैं दिखाऊंगा कि मेरे 3 लाख है, उसमें से मैंने इस शेयर में 60,000 रुपये लगाए, इसमें 12,000 बचे, इस शेयर में 60,000 लगाए, इसमें 13,000 गए, ये सारी एक्सेल शीट बनेगी। और वो भी टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल्स में उस ग्रुप में पोस्ट होगी। और एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स अगर आपका गेन 100% यानी 3 लाख की कैपिटल 6 लाख नहीं बनती है तो ये सारी की सारी फीस आपको रिफंड की जाएगी। ये मेरा कोई मनी मोटिव नहीं है, इसमें सिर्फ प्रूफ करने का मोटिव है कि अगर मेहनत की जाए तो 100% रिटर्न भी 3 साल में इजीली निकाले जा सकते हैं अगर आप चुन के और थोड़ा सिस्टमेटिक वे से खेलें। मार्केट चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, आपके कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो गिरे हुए मार्केट में भी परफॉर्म करते हैं, वही आपको निकालना आना चाहिए। दैट्स इट। तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।